ट्रकिंग जॉब करता हूँ, अभी स्टार्ट किया मैंने थोड़े टाइम पहले। तो मैंने सोचा चलो भाई अपने सब्सक्राइबर को अपने ट्रक का इंटीरियर दिखा दे, लाइक अमेरिका के ट्रक अंदर से कैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ट्रक का इंटीरियर दिखाते हैं अब हम। तो ये दोस्तों अपना ट्रक में एंट्री करते हुए मेन गेट खोला हमने, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब आपको ट्रक के इंटीरियर का दिखाते हैं कैसा दिखता है ट्रक। कई लोग बोलते हैं कि भाई अमेरिकन ट्रक तो अंदर से घर जैसे लगते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी सच है क्योंकि इस ट्रक के अंदर फ्रिज है, हमें दो बेड मिल जाते हैं ताकि दो बंदे आराम से रह ले इसमें। और भी इसमें लाइक तरह तरह के फीचर्स हैं, आप हम लाइक कुछ भी रख सकते हैं इस ट्रक में, जगह इतनी होती है। चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं आगे का। तो दोस्तों हम स्टेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। ये इसका स्टेयरिंग है दोस्तों, और ये वोल्वो कंपनी का ट्रक है। और ये इन्होंने इधर बटन दे रखे कि हम बटन से भी इसको कंट्रोल कर सके, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम, और ये थोड़ा लाइक ट्रक को कंट्रोल कर सके, क्रूज वगैरह, हेडलाइट वगैरह, फ़ोन उठाने काटने का। और ये सामने इसका डिस्प्ले है दोस्तों मीटर की, ये रेस का हो गया, स्पीड का हो गया अपना, और वो आरपीएम का हो गया दोस्तों, फ्यूल का भी सब कुछ इसमें है दोस्तों। और ये दोस्तों ये भी इनकी ब्रेक होती है, ये तो ट्रैक्टर की ब्रेक होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं येलो वाली और रेड वाली अपनी ट्रेलर की ब्रेक होती है दोस्तों। इसमें आप ये देखोगे दोस्तों, अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें ये सिर्फ दो ही क्यों है, दो पैडल क्यों है, तीसरा पैडल कहाँ गया भाई, कौन खा गया तीसरे पैडल को कहाँ गया भाई तीसरा पैडल, बिना तीसरे पैडल के कैसे चल रहा है ये। सो दोस्तों ये तो सिर्फ अपना रेस का है, और ये ब्रेक है, क्लच इसमें है नहीं दोस्तों। क्योंकि आप ये देखोगे दोस्तों, इधर आप देख सकते हो सर दोस्तों, इधर ये होना चाहिए, एक गियर हैंडल होना चाहिए, वो गियर हैंडल है नहीं इसमें आप देखोगे तो, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रक ऑटोमेटिक है दोस्तों, इसलिए इसमें गियर यहाँ पे दे रखी है, ये डी ड्राइव एन न्यूट्रल, और ये आर से अपना रिवर्स में हो गया दोस्तों। तो इसलिए सिर्फ ब्रेक दबाओ और गियर लगाओ, जैसे मैंने डी लगा दिया, यहाँ पे देखो दोस्तों डी आ गया लिखा हुआ, मैंने एन दबाया तो एन न्यूट्रल हो गया, ये फर्क है दोस्तों इसका गियर वाले और ऑटोमेटिक का दोस्तों। ये अपना एसी का हो गया, ये टेम्परेचर अपना, फिर ये आप देखोगे भाई इसमें तो भाई इतने सारे बटन है यार, ये क्या हो गया इन सब बटनों से। बट इनमें लाइक ये हमेशा यूज नहीं करने होते दोस्तों, कभी कभार जब इमरजेंसी पड़ती है, इनकी जरूरत होती है, जब यूज करने पड़ते हैं दोस्तों। ये इधर अपना हेडलाइट का है भाई, ये अपना की इग्निशन ऑन ऑफ का है, और ये भी लाइट्स के हैं, ये अपना आप ये तो लाइक आपको पता है हर एक कार में भी होते ही होते हैं। और इसका लाइक हैंडल, डोर हैंडल जैसे आपको खोलना है ना, तो डोर हैंडल इसका ये है, कई कारों में या ट्रकों में इधर होता है, कईयों में एक मिनट यहाँ पे होता है, बट इसमें देखो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसको ऐसे लाइक पुल करना अपनी तरफ और ये खुल जाएगा, फिर इसको ऐसे कर दो लॉक, उसको आप आगे की तरफ पुश करोगे तो ये लॉक हो जाएगा दोस्तों, अभी ये लॉक हो चुका है। ये देखो दोस्तों इधर म्यूजिक सिस्टम भी दे रखा है, और ये आप बोटल्स रखने की जगह दे रखी है, यहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं। चार्जर पॉइंट यहाँ पे भी दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भी चार्जर पॉइंट दे रखे है, मतलब चार्जर पॉइंट इसमें बहुत है। ये हो गया आपकी दोस्तों पैसेंजर सीट, आपका जो कोई को ड्राइवर होता है आपके साथ बैठ के ड्राइव करे उसके लिए। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका फ्रंट का है इंटीरियर ट्रक का जो होता है, ये तो सामने को अगर देखो दोस्तों कितना प्यारा सीन लग रहा है, और सामने भी देखो दोस्तों ट्रक खड़े, देखो दोस्तों अरे वाह कितने बड़े ट्रक है दोस्तों। और ये देखो फिर ऊपर का कंपार्टमेंट दिखा देते हैं हम आपको, इसकी लाइक ये 7-8 फीट का होता है हाइट में भी, इतना ऊपर देखो ये दोस्तों। और यहाँ पे भी लाइक ये इन्होंने छोटे छोटे ये कैबिन लाइक बॉक्स से बना रखे हैं ताकि हम अपना सामान रख सकें यहाँ पे भी, और ये फिर पेपर्स वगैरह रखे हैं कुछ इधर भी। और ये देखो दोस्तों सनरूफ तक इन्होंने दे रखा है, ये थोड़ा अटक सा गया है दोस्तों, ये लाइक अटक सा गया था, खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने आपको ये खोल के दिखा दिया, सिर्फ पर्दा सा है लाइक इसको कवर कर ले और ये निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों इसके साथ, कोई नहीं इसको बाद में फिक्स कर लूँगा मैं। और ये देखो दोस्तों ये फिर इधर और इन्होंने बॉक्स दे रखे हैं कि भाई तुम अपना स्टोरेज के लिए, सेम थिंग इधर है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों अपना आगे का। तो अब आप दोस्तों सोच रहे होगे कि भाई तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ट्रक के अंदर बेड होता है, फ्रिज होता है, दो जने आराम से सो सकते हैं, दो बेड है, कहाँ है भाई ये, तो देख भाई शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, रुको जरा सबर करो मित्रों, ये देखो ये है पर्दा, ठीक है, अब इसके पीछे आपको दिखाते हैं। तो मित्रों अब ये देखो पर्दा हट गया है, पर्दे के पीछे देखो दोस्तों क्या है, ये देखो दोस्तों बेड
और यहाँ पे ये सिस्टम है दोस्तों फ्रिज का, जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं। ठीक है दोस्तों, ये है छोटा सा मिनी फ्रिज दोस्तों। इसके अंदर पहले से रेड बुल रखी हुई है और ये कुछ कटोरी में शायद कुछ होगा खाने का, ये वाटर बॉटल है दोस्तों। तो ये था वो फ्रिज दोस्तों जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी लाइक लाइट का सिस्टम दे रखा है, आप चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। ठीक है, अपना यहाँ पे आप चार्जिंग में रख सकते हैं और ऊपर फिर आपको एक और कैबिन बना दिया इधर। और ये चार्जिंग पोर्ट देखो दोस्तों इसका कैसे दे रखा है, जैसे आप लाइक अपना चार्जर, एक्चुअल चार्जर और फिर कुछ और भी है सॉकेट, वो आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। अंधेरा सो रहा, दिख नहीं रहा इसलिए। और सेम थिंग दोस्तों इधर है, ये देखो दोस्तों। ठीक है, और ये अलमारी सी बना दी इन्होंने कि इसके अंदर फिर सामान से, मैं लाइट जलाता हूँ दोस्तों फिर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये देखो दोस्तों, ये इन्होंने, ये देखो आप समझ ही गए होगे दोस्तों इसे देख के ये क्या है। अगर जो आप नहीं समझे तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे हम LCD लगा सकते हैं ताकि हम इधर LCD लगाए और इधर से आराम से लेट के हम देख सके। ठीक है दोस्तों, आराम से लाइक ऐसे ही मैं आपको लेट के दिखाता हूँ दोस्तों। ये ऐसे आराम से इधर से देखो दोस्तों, मैं ऐसे लेट गए हूँ और आराम से कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर, मतलब हम देख सकते हैं जो हम ट्रक में वेट कर रहे हैं, सो रहे हैं दिन रात को किसी भी टाइम दोस्तों। तो ये है दोस्तों। अब आप कह रहे हो कि भाई यार इसमें तो एक ही बैठा, तूने फिर से हमारा पागल बना दिया, राइट। बट रुको जरा दोस्तों, सब्र करो दोबारा से। ये देखो दोस्तों, ये है वो दूसरा बेड। हाँ भाई हाँ, ये बंक बेड है भाई, मैंने बंक बेड नहीं बोला बट ये बंक बेड है दोस्तों। अब आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसमें सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का है। ये देख सकते, ये पैड़ी है दोस्तों, ये खुली नहीं दोस्तों दोस्तों सीढ़ी का, ये इसलिए खुल नहीं रही थी। ये देखो दोस्तों, आराम से सीढ़ी उतर गई। और रुको एक मिनट, ये बटन इसको हम स्ट्रिप है, इसको ऐसे खींचेंगे तो ऐसे बेड खुल जाएगा दोस्तों। ये देखो बेड खुल गया, बन गया बेड। अब ये सीढ़ियाँ मैंने नीचे लगा दी दोस्तों, ठीक है, ये सारी सीढ़ियाँ खुल गई। अब आराम से देखो वन एक बाई एक स्टेप पे ऐसे। हेलो दोस्तों, मैं देखो कितनी ऊपर आ गया। तो ये ऊपर का बेड है दोस्तों, ये सेकंड बेड है। तो एक बंदा आराम से नीचे वाले बेड पे सो सकता है और दूसरा बंदा आराम से ऊपर वाले बेड पे सो सकता है। देखो कितना कंफर्टेबल है, छोटे सा ये पिलो या सीट कुछ बोल लो दोस्तों, आए कितना आराम से, लाइक मजा आ रहा है मेरे को, सो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर वाले बेड पे बैठने के बाद दोस्तों ये नीचे का व्यू है, देखो सर कितना लाइक ऐसा लग रहा है मैं बहुत ऊंचाई पे बैठा हूँ, बट ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, 7-8 फीट होगी आराम से। ये देखो सामने का ट्रक कैसे दिख रहा है ऊपर से, और ये सनरूफ उतारा था मैं आपको, देखो बाहर आपको कुछ दिख रहा है ना, देखो शीशा लगवाने से, देखो वो देखो ट्रक जा रहा है दोस्तों। तो ये सनरूफ था और ये नीचे का था दोस्तों ये। और दोस्तों इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इसको खोल लूँगा ऐसे, ठीक है, और इसको ये ऐसे, ये क्या है, इस पर मैं रख के खाना खा सकता हूँ अपना दोस्तों, क्योंकि बेड है गद्दा है, इन्होंने लाइक हिल जाएगा, डुल जाएगा, गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा, यहाँ पे वोट रहे तो खाना भी गिर जाएगा। तो उससे अच्छा टेबल दे रखी है, इधर रखो आराम से खाओ, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा है दोस्तों, इसमें लाइक फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है। और इसमें मैं बंद कर देता हूँ, अंदर डल जाता है, लाइक स्पेस भी नहीं लेता। ये जो बटन है ये फिर दोबारा से लाइक AC के हो गए, और म्यूजिक सिस्टम का भी है देखो दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये फिर इन्होंने दोबारा से चार्जिंग पोर्ट दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे लिटिल पॉकेट है, कुछ रख लो सिक्के वगैरह जो भी आपको रखना है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है सर दोस्तों इसमें ट्रक में, लाइक खाने पीने का। ये एक विंडो दे रखी है दोस्तों छोटी सी है, देखो ये ऐसे ये ब्लाइंड है, ये इसको नीचे का हमने खुल गई, देखो आप देख सकते हो दोस्तों बाहर का अपनी रोशनी आ रही है। ये पहले इन्होंने जाली दे रखी है और फिर उसके बाद ये गिलास है, ये यहाँ से ओपन, जूम कर लिए, ये यहाँ से ओपन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, और लाइक हवा आती जाती रहे उसके लिए दोस्तों ये। और ये फिर यहाँ से क्लोज हो के ये फिर इसको हम बंद कर देते हैं। सेम थिंग ये दोस्तों यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं इन्होंने, ये देखो दोस्तों सेम थिंग है, कोई वो नहीं है ये, और उस साइड पे भी सेम चार खिड़की दे रखी है दोस्तों विंडोज, ये है दोस्तों विंडो। तो दोस्तों ये था मेरे ट्रक का टोर, आपने देखा लाइक मेरा ट्रक कैसा दिखता है। ये था दोस्तों वोल्वो का ट्रक, और मैं समटाइम्स कैस्केडिया का ट्रक भी चलाता हूँ, तो मेरे को कभी मौका लगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। वो ट्रक जो होता है वो स्लाइटली से थोड़ा लाइक बड़ा होता है अंदर से, लाइक हमारे पास इससे ज़्यादा स्पेस होता है, हम बहुत चीज़ें स्टोर कर सकते हैं दोस्तों उसके अंदर। और बताना दोस्तों आप लाइक आपको किस प्रकार की क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं अमेरिका में, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, प्लीज़ कमेंट करें। या फिर मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे J_ROAR7, उस पर जाके फॉलो करें दोस्तों, और बताएं मुझे आप क्या क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।